नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं हमारी आज की विशेष और बड़ी खबर पर। केलॉग्स कंपनी के कॉर्नफ्लेक्स में निकले हैं कीड़े। जी हाँ दोस्तों, ये घटना कल के दिन की मुमरा परिसर की है, जहां पर आर पटेल सुपरमार्केट जो के दोस्त अपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे नूरानी होटल के सामने एक वहां से केलॉग्स का डब्बा लिया गया था, जो कि सील पैक एक्सपायरी डेट के अंडर था, मतलब एक्सपायर नहीं हुआ था वो डब्बा। जब उसे घर पे लाकर खोला गया और उसके अंदर से कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए निकाला गया है, तो उसके अंदर ब्लैक छोटे छोटे कीड़े निकले दोस्तों, वो भी जिंदा। जी हाँ दोस्तों, जो कीड़े चावल में निकलते हैं, दाल आदि में जो कीड़े निकलते हैं, वही कीड़े इस कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे में आपको देखने मिलेंगे। हम आपको पूरी फुटेज दिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब हम इसकी शिकायत लेके आर पटेल मॉल के पास गए, तो उन्होंने सीधा हाथ उठाते हुए कहा ये हमारे को नहीं पता, ये हमने केलॉग्स कंपनी से लिया था, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, इसमें कंपनी जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। अब ये सवाल ये भी आता है दोस्तों कि क्या वाकई में ये बड़ी कंपनी जो ब्रांडेड कंपनी है कि लोगों की जान के साथ में इस कदर धोखा कर रही है, या फिर ये आर पटेल मॉल वाला केलॉग्स कंपनी की आड़ में अपना पर्सनल प्रोडक्ट डुप्लीकेट बॉक्स और डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाकर बेच रहा है। आप देख सकते हैं केलॉग्स का डब्बा जब हमने थाले में लेकर पलटी किया, मतलब प्लेट में पूरा पलटी किया है, तो उसके अंदर किस कदर कीड़े निकले और केलॉग्स के ऊपर व्हाइटिश लेयर आ गया है, मतलब कि वो खराब हो चुका है, जिसके बावजूद भी उसकी एक्सपायरी डेट एक्सपायर नहीं बताई जा रही है। डब्बे पर जो मार्किंग थी, हम आपको पूरी फुटेज दिखाएंगे। जिसके बाद हम आर पटेल मॉल के पास गए, जब उनसे हमने बात की तो वो पहले तो हम पर चढ़ने लगा ये कहकर कि हाँ ये हमारा कुछ नहीं लेना, ये केलॉग्स कंपनी का है, हम नहीं जानते। जब हमने उससे कहा कि हम मीडिया वाले बॉस, आराम से बात कीजिए, तो उन्होंने इत्मीनान से कहते हुए कहा कि भाई मैंने भी केलॉग्स कंपनी के ओट्स खाया हूँ, तो मेरे साथ में भी ये घटना घटी है। अगर वाकई में ये घटना उसके साथ में घटी है, तो उसे केलॉग्स कंपनी को कंप्लेंट क्यों नहीं की? और सवाल ये भी आता है कि वाकई में क्या केलॉग्स कंपनी ये लोगों की जान के साथ में धोखा कर रही है? ये इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रोडक्ट है दोस्तों, हर घर में एक ये अवेलेबल रहता है, बच्चे चोकोस खाते हैं, बच्चे कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, काफ़ी शौक से खाते हैं इसे। मगर आप चलिए आज फुटेज की ओर देखिए कि क्या निकला है बॉक्स पैक केलॉग्स में से। यहाँ से लिया गया था ये बॉक्स आर पटेल मॉल से, जो कि बॉक्स पैक था, सील पैक था, और उसकी फुटेज हम आपको बाद में दिखा देंगे उसमें क्या हुआ है। एट से तू बात कर, हम लोग को सेट से क्या करेंगे? हाँ तो कटनी था, मैं बोलो ना, मुझे तो वही बोला सील पैक था। अरे ये गलत की होती है, आपका लुक होता है ना, आपका काम है, हमारा काम है, हम कस्टमर जाएंगे कंपनी में, आप जाएंगे ऐसा नहीं है। अपन तो कुछ पैक करते नहीं आते, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने पैक किए, मगर वेरीफाई करना कंपनी से किसका काम है, हमारा है कि आपका है? वेरीफाई कैसे करेंगे सर? कंपनी को तुम नहीं बोल सकते कि ऐसा माल दे रहे हैं? हाँ वो आप मेरे को तो मैं भी बता सकता हूँ, खोल के देखो ना उसमें धंधा। वही तो बोल रहा हूँ, आप धो के तो मैं बता सकता हूँ, ले आप पूरा फुटेज ले, बाकी अपन पूरी खोल के देखने वाले नहीं, लेकिन आपका काम है ना कंपनी को बताना। अभी सेट आपने मेरे को दिया तो मैं दिखाऊंगा ना, अभी बोलो तो आराम से बात करो भाई, आराम से बात करो, पाँच मिनट लगेंगी भाई मेरे को। आप मेरे को क्या बोल रहे हैं? मैं YouTube मेरा न्यूज चैनल है, मेरे को पाँच मिनट लगेंगे यहाँ पे, अभी पूरा मीडिया खड़ा कर दूंगा मैं। आपने लोगों क्या बोला वेरीफाई का? बोलो नाम से बात करो, आपने लोगों क्या बोला वेरीफाई का? बोलो बोलो पहला बोलो, बाद में बात करो, पहला बोलो। एक बोलो के मोमो पड़ो, एक ऐसी हाँ ये ऐसा बोले सीधा बोले, बोल के मारो बात सुनो ना, उसमें देखिए अभी गलत की बात है क्या?
खाला ला खाला, प्लेट से नहीं होएगा। आप एक मिनट, मैंने पूरा फुटेज बना के रखा था, तुमको चीजें दिखा देता हूँ। देखो कोई बात नहीं, इसमें अभी इसमें कैसा है, देखो बॉक्स आता है, अभी अपन इतना मारा था, अपन खुल के तो चेक करते नहीं। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, आपने लाया हाँ। तो मैं कस्टमर कंप्लेन तो डालूंगा ही डालूंगा कि सर तुम ऐसा माल कैसे दे रहे हो, क्योंकि ये अंदर है ना व्हाइट हो गया भाई। आपका बात एकदम सही है, अपन जब इतना मारा था तो बॉक्स खोल के अपन देखा भाई, तुमने दिया एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं, देखेगा ना उनको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। कल तो मैं बंद कर दूंगा, और बोलेंगे मेरा सौ के लिए, आपके अकेले की बात हजारों रहेंगे, लोगों का आते रहेंगे, कोई इतना गौर भी नहीं करता है, कोई देखता है, कोई अभी जिसने बिना देखे खा लिया उसको थोड़ी मालूम पड़ेगा क्या क्या है। हाँ वो बात, खाने वाला बिना देखे भी खा लेता है। बाकी अरे जान देना कितना किसको टाइम है, ठीक ना साइड में ना, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोग है। बाकी ये कैसा जानते तक नहीं देना भाई, अभी उसको उल्टे खा लोगे मेरा भाई, आप समझे। बाकी लोग ऐसे अरे छोड़ना है क्या, किसी को इतना वही चीज़ की वजह से आज ये लोग कर रहे हैं, लोग नहीं ध्यान देते ना तो आज ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी भर रहे हैं। जितना बड़ा ब्रांड ये एक्सपायर चीज़ भरी हुई है भाई, ये चीज़ अंदर जो है ना, ये पैकिंग भले से तुम बोल रहे हो एक्सपायर नहीं, मगर अंदर जो आइटम है ना भाई, तुम लैब टेस्ट कराओ, अगर एक्सपायर नहीं निकला तो मैं जो बोलो आ जाओ। अभी देख अभी इतना खराब तो निकल गया, मैं इतना कॉन्फिडेंट से बोल रहा हूँ ना, स्मेल उसकी ना पूरी चेंज है भाई, ये तो पहला उसकी जो स्मेल आती ना भाई वो अलग आती, इसमें एकदम दबी हुई स्मेल आती और पूरा व्हाइट हो गया, व्हाइट नहीं होता गलत, जो उसका जो लेयर आया ना उसमें पूरा वो धनेरे से खाने उसके वजह से पूरा व्हाइट किया रहेगा, कुछ भी कर सकते, यही बात है भाई जो आपने, ये भले से एक्सपायर मार्किंग नहीं है मगर अंदर चीज है एक्सपायर, कोई बड़े सुपरमार्केट में एक्सपायरी माल उठा के उधर डाला रहेगा, वही पैकिंग दूसरे छोटे छोटे में डाल दिया रहेगा, और क्या कर सकते हैं बराबर, छोटे वाले तो क्या दो दस पैसे रिप्लेस हुआ रहेगा, वो आइटम को वापस रीपैक करके लोग आगे से कितना निकलता है एक्सपायर, कितना जिसका कोई लिमिट नहीं। डीमार्ट से मैंने लास्ट टाइम ये देखा, बता रहा हूं इससे बड़ा वाला एक आता है जिप पैक आता है, मतलब उसका लॉक भी ना ऊपर जिप लॉक रहता है, कुछ कुछ को आता है तो वो उसकी जो पैकिंग रहती है ना अंदर जो प्लास्टिक है उस पर भी केलॉग्स का स्टैंप है। कंपनी खुद का नुकसान करेगी नहीं, रस्ते में तो फेंकेगी नहीं, जिसको चीटा जानवर को भी खिलाना चाहिए वैसा तो यार, इंसान को तो दूध चलो भाई सॉरी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, जय हिंद जय महाराष्ट्र। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूले।